सैकड़ों सैकड़ों संख्या में महिलाएं होंगी, हजारों की संख्या में लोग यहां कलश यात्रा लेकर निकलेंगे। एक भव्य शोभा यात्रा रवा से लेकर भैर तक चलेगी। रासलीला भी होगी लेकिन रामलीला बराबर चलेगी। कवि सम्मेलन भी दो घंटे का होगा। महारानी लक्ष्मीबाई का एक बहुत बड़ा नाटक यहाँ किया जाएगा क्योंकि बुंदेलखंड की धरती की है वो। ऐसा है कि सबसे पहले हम आप सब इलेक्ट्रोमीडिया प्रिंट मीडिया का स्वागत करते हैं कि आप इस छोटे से ग्राम में आकर इस यज्ञ के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए, जो प्रथम दिन जो हम आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसके लिए आप लोग आए, आपको धन्यवाद। हमारा उद्देश्य ये है कि धर्म के प्रति पूरा हिंदुस्तान आस्था रखता है। यज्ञ जैसे कार्य, श्री राम कथा जैसे कार्य, ये बहुत ही मुकद्दर से, बहुत ही भाग से उन ग्रामों में होते हैं जहाँ बड़ी पुण्य भूमि होती है। हम इस पुण्य भूमि रवा को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं कि हमने यहाँ जन्म लिया उस गांव में जहाँ एकता के सूत्र में बंधकर पूरे रवा भैंड के लोग इतने बड़े आयोजन को तत्परता से करने जा रहे हैं। 26 तारीख को प्रथम दिवस यहाँ कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा में दर्जनों संख्या में घोड़े होंगे, हाथी होंगे और कनाम के सैकड़ों सैकड़ों संख्या में महिलाएं होंगी, हजारों की संख्या में लोग यहाँ कलश यात्रा लेकर निकलेंगे। और हमारे यज्ञाचार्य और जो हमारे महाराज जी कथा कहने आ रहे हैं, दोनों लोग रथ पर विराजमान रहेंगे। एक भव्य शोभा यात्रा रवा से लेकर भैर तक चलेगी। भैर के मंदिर, रवा के मंदिर पे सभी मंदिरों को, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करेगी कि आप लोग आएँ और छाया की तरह हमारे यज्ञ में भागीदारी करें और इस ग्राम की जो प्रतिज्ञा है यज्ञ भव्य होना है उसको सफल बनाएं। ये हमारा उस दिन का प्रतिदिन शाम को रामलीला होगी। बीच में एक आध दिन रासलीला भी होगी लेकिन रामलीला बराबर चलेगी। कवि सम्मेलन भी दो घंटे का होगा और एक दिन महारानी लक्ष्मीबाई का एक बहुत बड़ा नाटक यहाँ किया जाएगा क्योंकि बुंदेलखंड की धरती की है वो, इसलिए यहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम चलते रहेंगे। और सुबह 7:30 से 11 बजे तक हवन कुंडी पे और 12 बजे से 2 बजे तक दो हमारी वो आ रही हैं संत, वो अपनी मुखारविंद से कथा कहेंगी। और 2 बजे से 5 बजे तक जो हमारे मैन संत हैं राघवाचार्य जी, वो इसमें भागीदारी करेंगे। और मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा सभी जो जो आवाज़ आपके माध्यम से सुने, सबसे हम रवा भैंड की तरफ से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप लोग 26 से लेकर 5 दिसंबर तक पूर्ण भाव से यहाँ आएँ और पूर्ण लाभ कमाएँ, क्योंकि यज्ञ का पूर्ण लाभ बहुत अच्छा होता है। जो यज्ञ में भागीदारी करता है, कथा में भागीदारी करता है, उसको एक ईश्वर का पूरा आशीर्वाद मिलता है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।